हेलो भगवान जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे, और मैं भी खुदा के शुक्रगुजारी करती हूँ कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं जी दुआ से, और अभी मैं 9 बज गए करने लगी हूँ दुआ। और आज है जी लेबर डे, और मजदूरों के दिन जो है वो मजदूरों के अलावा पूरे पाकिस्तान को छुट्टी है। और लेट्स सी कि हमारी आज की क्या रूटीन है। और इसके अलावा ये है कि हम लोग जहाँ भी जाएंगे जो कुछ भी खाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो अभी हम देखते हैं जी, आज लेबर डे और हम भी घर पे थोड़ा बहुत जो है वो काम कर ले। और अभी मैं करने लगी हूँ जी दुआ, और दुआ करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो जी इट्स टाइम टू रीड बाइबल, और कुछ लोग समझ रहे होंगे कि शायद मैं दुआ करती नहीं हूँ, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि बहुत सालों के बाद तकरीबन इस उम्र में मुझे शौक चढ़ा है बाइबल रीड करने का। सो आई एम गोइंग टू रीड, और अभी बाइबल पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। इट्स नाश्ता टाइम। सो जी नाश्ता वगैरह करके हम लोग सो गए थे, और अभी अम्मी ऊपर बना रही हैं जी लंच में मैक्रोनी, और अभी ऊपर जाके देखते हैं, या शायद मुझे लग रहा है कि बन गई है और नीचे आने लगी है हमारे लिए। और हमारा जो पीछे मेरे क्लॉक नज़र आ रहा है ना वो ख़राब है, सो आपने उसे इग्नोर मारने, और अभी आपको लंच करने के बाद। हाँ जी, तो लंच हमारा हो गया है जी कंप्लीट, और अभी हम लोग जा रहे हैं जी 3 बजे का टाइम, और अभी हम लोग जा रहे हैं जी गोजरा, और वहाँ पे हमने जाना है जी फर्नीचर वाली शॉप पे, दुकान पे जहाँ से हमने माही और हुमा का फर्नीचर लिया था। और हम लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, और फर्नीचर पसंद करना है हमने हमना के लिए, क्योंकि हमना का जो फर्नीचर दिया था उसे वो शॉप वालों ने ना दे दिया था उसे शायद गीली लकड़ी वाला, और वो ख़राब हो गया था बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और अभी हम लोग हम लोगों ने फिर शॉप वालों से कांटेक्ट किया था, क्योंकि वो पापा के गांव के थे, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि हम लोग चेंज कर देंगे, आप आ जाएं चेंज करवा लें। ठीक है, सो अभी हम लोग जा रहे हैं जी वहाँ पर शॉप पर पसंद करने जा रहे हैं जी फर्नीचर, और कौन सा फर्नीचर वहाँ पे पसंद करते हैं और क्या करते हैं और क्या कुछ खाते पीते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ व्लॉग में तक जुड़ रहे थे, मुझे लग रहा है आज का व्लॉग काफ़ी मज़े का होने वाला है। और अभी आ गया है जी मक्खन, और मुझे लग रहा है कि हमें मक्खन लोगों को अटेंड करने के बाद जाना होगा, सही है। और हम लोगों लेके आए हुए मक्खन के लिए तरबूज, और लेट्स सी कि मक्खन क्या रिएक्ट करता है। हम लोगों ने मक्खन के लिए कल रात से तरबूज ला कर ठंडा किया हुआ है, ठीक है, और अभी देखते हैं कि वो ज़्यादा ठंडा फील करता है, उसके नए नए दांत जो हैं थोड़े थोड़े निकल रहे हैं कॉर्नर्स, well, let's see वो क्या रिएक्ट करते हैं। सो जी अभी हम लोग जी घर से निकलने लगे थे, और सावे ने गाड़ी का जो ऑयल है वो चेक किया है, जो ऑयल अलग से डलवाते हैं ना, एक तो पेट्रोल होता है उसके अलावा भी एक ऑयल होता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, साबर वो चेंज करवाने गया, 2 मिनट में वापस आ जाएगा। और हम लोग जा रहे हैं जी मक्खन को भी अपने साथ लेके, और मक्खन इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा था और रो रहा था उसे देख के, क्योंकि मरियम ने एक्स्ट्रा ही ठंडा जो है वो उसके मुँह को लगा दिया था, और उसके दांत को लग गया था शायद, या उसके मुँह को ज़्यादा लग गया था, वो रोने लग गया था तरबूज को देख के। सो अभी हम लोग घर से निकलने लगे हैं, और साबिर जो है वो ऑयल चेंज करवा के आ जाएगा 2 मिनट में, और अभी हम लोग घर से निकलने लगे हैं। सो आपको ना रास्ते में मिलते हैं, और जो कुछ भी खाएं पीएंगे और जो कुछ भी बातें करेंगे और मक्खन के साथ खेलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने ब्लॉग को एंड तक देखना और लाइक शेयर करना नहीं भूल। सो जी यहाँ पर मक्खन की मम्मा जो है वो उसके लिए चली गई घर में पिज़्ज़ा रेडी करने, और पापा उसके लिए ये सुपर बिस्किट ले रहे हैं, इतना महंगा हो गया, 40 का हो गया, और 10 रुपये का या मुश्किल से 15 रुपये का आता था। खैर इसके 2 फ्लेवर हैं, शायद इसलिए इतना महंगा है, या शायद नॉर्मल वाला भी इसीलिए ही महंगा आता है। खैर अभी हम लोग जी निकलने लगे हैं घर से। सो यहाँ पे जी मक्खन बैठे है, और साबर मामू के वापस आने का इंतज़ार करते हैं, और सर मक्खन की मामा भी वहाँ पर हमारा इंतज़ार करी होगी इसका दूध वाला फीडर लेके।
साबर अभी मैं ठीक हूं है। अच्छा ये अब आगे हम लोग इनके जो गोदाम है ना उसमें जा रहे हैं कि हम लोग क्यों जो है डिजाइन वो देख लें। ठीक है रे11 बजे से और अभी हम लोग आए हैं जी माही लोग के घर से और हमारे साथ वालों का कुत्ता पता नहीं क्यों भौंक रहा है। खैर दीज आर द न्यू स्नैक्स जो वहाँ पे मुझे नजर आए थे बैटरी पे, सो मैंने कहा कि क्यों नहीं ट्राई करने के लिए ले जाते हैं। और दीज आर द कोकोमोज हाय हाय लव। और यहाँ पे ये जो पतीला पड़ा है ना इसमें चावल है और इसके अलावा मरियम और कुकी ने ली थी जी ये वाले नहीं, ठीक है मेरा दिल नहीं लग रहा था और अब भी मैं करने लगी हूँ जी प्रेयर। ठीक है और प्रेयर करने के बाद में सो जी जो दूसरा प्लेयर था वो कुकी और मरियम ने ट्राई की है लेकिन वो कह रही है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड मुझे लग रहा है ये ज़्यादा मज़े का होगा। खैर लग भी ज़्यादा मज़े का यही रहा है ब्लैक ब्लैक पर जब सही है। इट्स टाइम फॉर द स्नैक और